नमस्कार, मैं हूं सतीश एलिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत को सीधे प्रभावित कर रहा है और आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा है कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो भारत को इंगित किया है, कनाडा के एक नागरिक की मृत्यु हत्या के मामले में, जो कि भारत से एक वांछित अपराधी था, भगोड़ा था और जिसके ऊपर भारत सरकार ने इनाम भी घोषित किया हुआ था। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है कि भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में क्या कहा। हमारा मुद्दा यह भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या कह रही है। हम बात करना चाहते हैं मीडिया जगत के होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, कि मीडिया जगत और पत्रकार, खासकर न्यूज़ चैनल, इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। लगातार आप देखेंगे, किसी भी न्यूज़ चैनल पर आप जाएंगे, किसी भी तरह की बहस सुनेंगे, किसी तरह की स्टोरी इस मुद्दे पर सुनेंगे, तो बार बार वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, खालिस्तानी उग्रवादी, खालिस्तानी आतंकवादी, खालिस्तानी नैरेटिव, खालिस्तान समर्थक, खालिस्तान। ये जो शब्द है खालिस्तान, अगर आप किसी आतंकवादी को खालिस्तानी आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तान का समर्थक कहेंगे, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो देश कहीं है ही नहीं, जिसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो भारत के खिलाफ एक अभियान है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई का एक षड्यंत्र है, उसको अगर आप खालिस्तान कहेंगे, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी लोगों को कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये स्वीकार करते हैं कि खालिस्तान जैसी कोई चीज़ कहीं वजूद में है, जबकि वो असल में ऐसा नहीं है। खालिस्तान का कोई वजूद नहीं है, खालिस्तान की कहीं कोई मांग नहीं है। ये पूरी तरह से भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो बहुत बदनाम है पूरी दुनिया भर में, खासकर आतंकियों को बढ़ावा देने में, भारत के अंदर घुसपैठ कराने में, और वही एजेंसी जो है आईएसआई, कनाडा में बैठे हुए लोगों को, जो भारतीय मूल के लोग हैं, कनाडा गए हैं यहाँ सर, और वो भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करती है, उनको फंडिंग करती है। मीडिया को खालिस्तानी के बजाय आप ये कहिए भारतीय मूल के आईएसआई एजेंट, भारतीय मूल के आईएसआई एजेंट जो कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। खालिस्तानी, खालिस्तान का शब्द भी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे लगातार हमारे भारतीय जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी डिबेट्स में पाकिस्तानी पत्रकारों को भी बिठाया जाता है, पाकिस्तान के और अन्य जो राजनेता हैं उनको भी कई बार बिठाया जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान के नैरेटिव की ही बात करते हैं, वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। खालिस्तानी के नाम पर जो कनाडा में या ब्रिटेन में और तमाम जगह भारत का जो विरोध होता है, उसको वो कहते हैं कि सिख अपना अलग राज्य चाहते हैं, लेकिन जिस खालसा राज्य का संचालन महाराजा रणजीत सिंह ने किया, उसकी राजधानी लाहौर थी और पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जो पाकिस्तान है बल्कि अफगानिस्तान तक का जो इलाका था, वो पूरा का पूरा जो साम्राज्य था, जिसको हम खालसा पंथ का एक तरह से साम्राज्य मान सकते हैं महाराजा रणजीत सिंह की वजह से, तो उसकी राजधानी लाहौर थी। अगर आप पूछेंगे खालिस्तान के तथाकथित समर्थकों से या पाकिस्तान का नैरेटिव सेट करने वाले लोगों से कि खालिस्तान की राजधानी होगी तो कहाँ होगी, तो वो कहते हैं कि अमृतसर में होगी, लाहौर में क्यों नहीं। जब ये सवाल पूछा जाता है तो इसका उत्तर उनके पास नहीं होता है। भारतीय मीडिया को इस पर भी जोर देना चाहिए कि जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं आईएसआई के कहने पर, आईएसआई के इशारे पर, वो क्या लाहौर, रावलपिंडी और पूरा पंजाब जो पाकिस्तान के पास है उसको भी लेना चाहेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते हैं। भारतीय मीडिया को खालिस्तानी, खालिस्तान जैसे शब्दों के बजाय पाकिस्तान पोषित आतंकवादी कहना चाहिए उनको, मेरा ऐसा आग्रह है। और पूरे देश को भी ये चीज़ समझना होगी कि हम अगर खालिस्तान और खालिस्तानी समर्थक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो ये हमारे देश के ही खिलाफ होगा असल में, और ये हमें नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। कमेंट बॉक्स में आप इस पर अपनी बात कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।